कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोग स्किप कर सकते हो? मेरा से कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है भैया, हम कौन से चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? दिस आर सोनू भैया एंड आज की वीडियो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका 18 मार्च को, यानी कि जिनका ही मंडे को साइंस वन का बोर्ड पेपर है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक साथ शेयर करने वाला हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स साइंस वन के लिए, आपको हर एक चैप्टर को कैसे प्रिपेयर कर लेना है। वही भी मेरे से एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, भैया ऐसे कोई चैप्टर से क्या जिनको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं क्या? तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक साथ हर एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा उसे अभी का भी क्लिक कर लो, बिकॉज आज शाम को 7:03 पे हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन लेने वाले हैं आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, साइंस के पेपर के लिए। तो मेक श्योर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे क्लिक करो एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में आज के लाइव की आपको जाके रिमाइंडर ऑन कर लेना है। तो देखो ये सबसे पहली चीज, आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपके साइंस वन के लिए। एंड आपका जो साइंस वन का पेपर आता है वो टोटल 40 मार्क्स के लिए आता है, बट विथ ऑप्शंस ये जो पेपर है ये 60 मार्क्स के लिए आता है। अब देखो 60 मार्क्स के लिए आपसे टोटल क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, यहाँ पे हर एक जगह पे विथ ऑप्शंस के लिए क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर के अंदर। फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उनमें से एनी 4 सॉल्व करने हैं, तो जो 2 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका जो पेपर का वेटेज है, आपके जो चैप्टर्स के वेटेज है, अपन लोग उसके हिसाब से देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहली चीज, हर एक चैप्टर का वेटेज होने से पहले मैं आपसे एक लाइक का टारगेट देता हूँ, वीडियो को भी लाइक कर लो। इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 800 प्लस लाइक्स के लिए, तो लाइक बटन दबा के मारो। एंड आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने क्लास 10th के फ्रेंड के साथ। तो देखो सबसे पहली चीज, अपना जो साइंस वन का पेपर है, साइंस वन का जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे टोटल 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 दैट इज ग्रेविटेशन। अब देखो जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है ना, मैं तो सच में बोलता हूँ बहुत स्टूडेंट्स है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं इसके पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं ये वाले चैप्टर को। तो देखो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 मार्क्स के लिए आता है विथ ऑप्शंस ये 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, ये जो 5 मार्क्स है ये किस तरह से पूछे जाते हैं, आज के लाइव सेशन में आपसे एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ हर एक चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 पीरियडिक क्लासिफिकेशन, 6 मार्क्स के लिए आने वाला है। वहीं पर चैप्टर नंबर 3 केमिकल इक्वेशन, ये भी 6 मार्क्स के लिए आने वाला है, ये दोनों 6-6 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। देन चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये टोटल 7 मार्क्स के लिए आने वाला है। एंड यस गाइस आपको इसे मार्क कर लेना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन हीट वाला चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आएगा, खैर मतलब ठीक ठाक चैप्टर है, एवरेज सा चैप्टर है। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, काफी चिंतन से चैप्टर है बट टोटल 7 मार्क्स के लिए आता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देन गाइस लेंसेस मेटलर्जी, दोनों 6 मार्क्स के लिए आते हैं। चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स, ये भी 7 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको ये वाले चैप्टर को भी मार्क कर लेना है 7 मार्क्स के लिए। एंड देन गाइस स्पेस मिशन 5 मार्क्स के लिए, काफी एवरेज से चैप्टर है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें चैप्टर नंबर 4, 6, 9, ये जो 3 चैप्टर्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड देन ये देखो ये अपने फर्स्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हो गए। आफ्टर दैट गाइस चैप्टर नंबर 2, 3, 7, 8, ये जो बाकी के चैप्टर्स हैं ये अपने मिडिल प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हो गए। एंड जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं आपको लास्ट प्रायोरिटी पे रखने हैं। अब देखो यहाँ पे है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर में से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मोस्टली पूछे ही जाते हैं एंड उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आपको जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करना है, एक तरह से खजाना है आपके साइंस वन के लिए। जो भी एक्टिविटी वाले या फिर आपके जो भी थियरी वाले क्वेश्चंस हैं वो हर एक चीज़ का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो बना दी है, आपको जाकर चेकआउट करना है। वहीं पर अगर हम बात करें कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आप लोग स्किप कर सकते हो, मेरा से कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, भैया हम कौन से चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं? तो देखो यार मैं आपको सच में बताता हूँ, आपको कोई भी चैप्टर को फुल्ली स्किप नहीं करना है, कोई भी चैप्टर को फुल्ली स्किप मत करना। बिकॉज बात क्या होगी, समझो यार, आपके जो स्टार्टिंग के 10 मार्क्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के जो 10 मार्क्स हैं, आप जिसको भी पेपर राइटर नहीं पता, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। स्टार्टिंग के जो 10 मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के, वहाँ से हर एक चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आफ्टर दैट जो अपने डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, ये सारे आपको हर एक चैप्टर में से एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। वहीं पर अगर हम बात करें कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि सबसे कम प्रायोरिटी रखते हैं, सबसे कम वेटेज रखते हैं आपके साइंस के पेपर के अंदर, सबसे पहला आता है चैप्टर नंबर 1, 5, 10, ये जो 3 चैप्टर्स हैं सबसे ज़्यादा कम वेटेज रखते हैं। बट देखो गाइस बात क्या है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, करना भी है कि नहीं, हर एक चीज़ आज की इस लाइव सेशन में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप शाम को 7 ऐड हो जाओ लाइव सेशन के अंदर, ज्वाइन कर लेना आप सभी लोगों को। एंड देन यही बात थी, आपको कोई भी चैप्टर को फुल्ली स्किप नहीं करना है, एकदम अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स कर लो, जो भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रिपेयर कर लो। देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साइंस वन के अंदर, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपके जो कंसेप्ट्स हैं
कंसेप्ट एकदम क्लियर रहने चाहिए। जब भी आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे आप तभी जाके पेपर को लिख के आने वाले हो। अब मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप खुद के वर्ड्स के अंदर भी, यस साइंस का जो पेपर है आप खुद के वर्ड्स के अंदर भी लिख के आ सकते हो, बट द मेन थिंग इज आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं वो मैं कल के लाइव सेशन में, यानी कि आपके पेपर के एक दिन पहले जो लाइव सेशन होने वाला है वहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो यस लिख देना, यस भैया मेरे को कीवर्ड्स के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। तो आप सभी लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। जो जो भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, चैप्टर नंबर 4, 6, 9, ये जो तीन चैप्टर्स हैं ये 21 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पेपर के अंदर। आपको ये तीन चैप्टर्स एकदम अच्छे से कर लेना है। एंड यस गाइस ट्रस्ट मी, आज दोपहर के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है आपके साइंस वन के लिए। मेक श्योर आप चैनल के साथ एक्टिव हो, एकदम ज़्यादा एक्टिव हो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर क्लिक कर देना। एंड इसी टाइप के अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हो अपने क्लास 10th के फ्रेंड के साथ, एंड जल्दी से शेयर कर दो। एंड गाइस आप सभी लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। एंड यस बाय बाय।